हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जो रजिस्टर का जो पेज था वो हम लोगों ने डिज़ाइन कर दिया था, और एडिट का जो पेज था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो हमारा डिटेल व्यू का जो पेज है, इसे हम लोग आज की इस वीडियो में डिज़ाइन करेंगे। तो उससे डिज़ाइन करने से पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं, ये आइकन मैंने मटेरियल यूआई के जो आइकन है उसका मैंने यूज़ किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मटेरियल यूआई का जो पैकेजेस है इसे हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से इसे करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पर हमारी ऐप को करेंगे बंद। और इन तीनों के अलावा हमें कुछ और भी चाहिए, जो कि हमें मिलेगा यहाँ से, ये जो मटेरियल यूआई आइकन्स है इसे भी हम लोग कर देंगे कॉपी। और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और एक साथ हम लोग इसे भी कर देंगे इंस्टॉल। तो ये हमारे जो ये पैकेजेस है वो सब इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर जाना है और एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है, और वो होगा डिटेल डॉट जेएस करके, डिटेल डॉट जेएस। और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे जस्ट रीड मोर, और हम लोग इसे भी इंपोर्ट कराएंगे अपने ऐप डॉट जे एस में। और यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट इंपोर्ट डिटेल्स, और इसे भी हम लोग यहाँ पर इसका जो पाथ है वो मेंशन कर देंगे। और ये जो हमारा होगा डिटेल्स कंपोनेंट, और यहाँ पर एडिट की जगह हम लोग लिख देंगे व्यू। जब भी कोई यूजर इस व्यू पाथ पर जाएगा और उसकी वैलिड आईडी होगी, तभी ये जो डिटेल वाला जो पेज है वो हम लोग शो करवाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद होगा व्यू, होगा वन, ओके। अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि हमें फिर से उसे रिस्टार्ट करना होगा। तो रिस्टार्ट करते हैं अपने ऐप को, npm start। तो हमारी जो ऐप है वो स्टार्ट हो चुकी है, और सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं इसे हम लोग चेंज कर देंगे। तो हमें यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग इस मटेरियल आइकन्स पे जाएंगे, और यहाँ पर हमें लिखना है आई, और ये जो है इसे यहाँ पर करेंगे कॉपी। और हमारा जो पेज है यहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट, और इसे करेंगे कॉपी। और ये जो है इसकी जगह पर हम लोग कर देंगे यहाँ पर उसे पेस्ट। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये आप यहाँ पर डिफरेंट देख सकते हैं इन दोनों। ये जो मटेरियल यूआई का जो आइकन है ये थोड़ा इससे बड़ा है, और उसी तरह ये दोनों भी हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेन, तो ये जो पेन है इसे करेंगे कॉपी और पेस्ट, और एक एक साथ ही ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डिलीट, तो ये जो डिलीट आउटलाइन कॉपी इसे भी करेंगे पेस्ट। सबसे पहले ये होगा क्रिएट आइकन, तो इसकी जगह पर हम लोग इसे यहाँ पर कर देंगे, एंड इसे भी करेंगे कॉपी। तो अब ये तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, और इसे भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इससे मैं करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये तो तीनों के तीनों यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा डिटेल व्यू का जो पेज है इसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे कर देंगे क्लोज, और इस डिटेल व्यू के पेज पर जाएंगे, और इस पेज पर भी हम लोग एडिट और डिलीट का जो आइकन था उसे यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। करेंगे यहाँ से कॉपी पर पेस्ट,
और यहाँ पर हम लोग करेंगे जो डीव है उससे हम लोग क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर, और उसे हम लोग देंगे मार्जिन टॉप से 3। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिव्यू और एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं आया, ओके रिव्यू नहीं लिखना, रिव्यू के बाद बाद तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो वेलकम लिखा है इसे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं H1 के अंदर, इसी को ही यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट, और ये जो है ये यहाँ पर आ चुका है, लेकिन इसका जो फॉन्ट वेट है ये कम है, तो यहाँ पर हम लोग अलग से क्लास नेम नहीं बनाते, यहीं पर हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पर उसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट से कर देंगे 400। अब थोड़ा ये ठीक है, और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये मैंने यूज़ किया है मटेरियल यूआई का जो कार्ड कंपोनेंट है उसका। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे और ये जो मटेरियल यूआई का ये जो कार्ड है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो कार्ड इसी को ही हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी। आप यहाँ पर जाएंगे और आपको क्या करना है, ये जो कार्ड और कार्ड एक्शन से इसे यहाँ से करना है कॉपी, और हमारा ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर हमें इसे करना है इंपोर्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कार्ड और कार्ड कंटेंट है इसे करेंगे इंपोर्ट, और इसके नीचे से हम लोग इसे करेंगे इंपोर्ट, और ये जो है कार्ड कंटेंट इसे करेंगे क्लोज, और उसके बाद होगा ये हमारा कार्ड, ओके। और कार्ड कंटेंट के अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए इमेज, तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज, और हमारी जो इमेज है वो है प्रोफाइल डॉट png, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं, ये काफ़ी बड़ी है, तो इससे यहाँ पर हम लोग स्टाइल देंगे, तो उसके विड्थ को करेंगे 50, तो ये एकदम परफेक्ट यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप लिख देंगे प्रोफाइल और इमेज के बाद हमें यहाँ पर चाहिए नेम, और वो नेम हमें मिलेगा H3 से, वो होगा नेम, उसके अंदर हम लोग स्पैन टैग के अंदर इस नेम को लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा एज, और वो एज भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 21, और इस H3 को हम लोग स्टाइल करेंगे। यहाँ पर ये जो है हमें यहाँ पर एक काम करना है, ये दोनों एक और दो ये सब दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये है लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक क्लास लेते हैं लेफ्ट व्यू करके, और इन सबको यहाँ से करेंगे कट पर पेस्ट, और एक डिव लेंगे जिसका क्लास नेम होगा राइट व्यू। अब ये ठीक है, तो अब यहाँ पर नेम एज और ये जो है लेफ्ट व्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट व्यू के अंदर ये जो H3 है उसकी जो फॉन्ट साइज है वो होगी 21 पिक्सल्स, तो ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये जो नेम और ये जो एज है वो हमें चाहिए, उसका जो फॉन्ट वेट है वो हम लोग कर देंगे कम, यहाँ पर कर देंगे उसका जो फॉन्ट वेट है वो होगा 400,
यहाँ पर जो फॉन्ट वेट है वो होगा 400, और ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो ये एकदम परफेक्ट है, तो इसे भी करेंगे यहाँ से कॉपी। और हमें ये इसके ऊपर से हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर दोनों को हम लोग एक साथ क्लास नेम देंगे, क्लास नेम में मार्जिन टॉप से चाहिए 3 पिक्सल, तो ये परफेक्ट। और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है पी, उसके अंदर है ईमेल, और स्पैन के अंदर लिख देंगे email@gmail.com, और उसके बाद होगा हमारा ऑक्यूपेशन, और यहाँ पर लिख देंगे डेवलपर, और यहाँ पर इन दोनों को पहले हमें यहाँ पर चाहिए आइकन, ये जो आइकन है वो हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ पर जाएंगे, और ये जो हमारी मटेरियल आइकन है यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर हमें लिखना है मेल, तो ये जो मेल के आइकन है इसे करेंगे इम्पोर्ट, और उसके बाद होगा हमारा वर्क, तो ये करेंगे इम्पोर्ट इश्यू भी, तो ये जो मेल वाली है यहाँ पर इसे करेंगे इम्पोर्ट, और ये जो वर्क आइकन है इसे भी यहाँ पर करेंगे इम्पोर्ट, तो ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन हमें यहाँ पर ये जो ईमेल और ये जो ऑक्यूपेशन है उसका फॉन्ट वेट हमें यहाँ पर बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पी है उससे हम लोग स्टाइल देंगे लेफ्ट व्यू के अंदर, ये जो पी है उसका जो फॉन्ट वेट होगा वो होगा 600, तो ये परफेक्ट। लेकिन ये दोनों भी हो गया बोल्ड, तो वो तो हम लोग यहाँ पर इसे देंगे, एक काम करते हैं ये यहाँ से हटाएंगे, और ये भी यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पर देंगे टॉट लेफ्ट व्यू के अंदर जो स्पैन टैग है उसका फॉन्ट वेट कर देंगे 400, तो ये एकदम परफेक्ट है। अब हमें यहाँ पर राइट में चाहिए, लेकिन ये भी इसकी जो विड्थ है वो भी काफ़ी बड़ी है, तो उसे भी हम लोग करेंगे यहाँ पर मेन विड्थ की जगह पर कर देंगे मैक्स विड्थ, ये जो है मैक्स विड्थ 275, ये एकदम कम है, यहाँ पर करेंगे 600, और ये 600 एकदम परफेक्ट। और हमें चाहिए मोबाइल लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, तो मोबाइल आइकन पर और चाहिए लोकेशन, पहले होगा हमारा मोबाइल वो होगा पी के अंदर, ये भी होगा हमारे स्पैन के अंदर +91, कुछ भी नंबर आप यहाँ पर रैंडम लिख दीजिए, और उसके बाद लोकेशन, और लास्ट वन जो होगा डिस्क्रिप्शन, तो हमारा जो ये काम है वो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन ये एक के नीचे एक आया है तो उससे कर देंगे सॉल्व। तो अब हम क्या करते हैं, हमें इसे साइड बाय साइड लाना है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा
कॉल LG 6 और होगा कॉल MD 6 और कॉल 12, और इसे यहाँ सेव करेंगे कॉपी। एंड यहाँ पर तो ये अभी एक के बाजू में एक अभी भी नहीं आया। ओके, और वो क्यों नहीं आया वो देख लेंगे। ओके, हमें यहाँ पर एक डिव लेनी होगी जिसका क्लास नेम होगा रो, और इन सबको यहाँ से हटाएंगे और इसके अंदर करेंगे पेस्ट। तो अब ये आना चाहिए और ये आ भी चुका है। यहाँ से करेंगे से परफेक्ट, और इस क्लास नेम को यहाँ से भी करेंगे कॉपी यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर, तो ये भी परफेक्ट है। और इसे यहाँ पर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसे भी यहाँ पर एक क्लास नेम दे देते हैं और वो होगा मार्जिन टॉप से 4, ये मार्जिन टॉप से 3। तो ये भी परफेक्ट है, टॉप से 5। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये जो बटन है उससे यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हमारे होम पेज से। तो हमारा जो होम पेज है तो यहाँ से इन दोनों को करेंगे कॉपी। एंड यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं एड BTN करके, और उसके अंदर करेंगे पेस्ट। तो ये एकदम परफेक्ट आ चुका, लेकिन ये चिपका हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लिखेंगे MX2। तो ये भी एकदम परफेक्ट है। तो ये जो हमारा डिटेल व्यू का जो पेज है वो हम लोगों ने बना लिया, और ये एकदम रिस्पॉन्सिव भी होगा। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए एकदम रिस्पॉन्सिव भी है, लेकिन ये दोनों आइकन यहाँ पर नीचे आ रही हैं जबकि हमें चाहिए यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ से हटाएंगे और उसे इस रो के पहले हम लोग लिखेंगे, तो अब शायद ये आना चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है, और ये भी एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। तो हमारा जो डिटेल व्यू का जो काम है वो तो हो चुका है, और अगली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ से हम लोग हमारा जो बैकएंड का जो पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और इसके नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो के अंदर हम ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसे कंप्लीट कर देंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।